अवैध बांध कामों का गढ़ कहे जाने वाले वसई विरार की तो बात ही निराली है। अवैध बांध कामों के खिलाफ वर्षों भर में कई हजार अर्जियां, कोर्ट में कई पिटीशन, सैकड़ों शिकायतें और कार्रवाई गिनी चुनी। और यह इसलिए क्योंकि जब तक मनपा में गैर जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं तो यह सिलसिला कहीं रुकने वाला नहीं है। खैर, स्क्रीन पर दिख रहे इस भूमाफिया का नाम है अरशद चौधरी, जिसने नालासोपारा पूर्व के संतोष भुवन के अभिनंदन होटल से सटे एक जमीन पर 800 स्क्वायर फुट का यह अवैध निर्माण बना रहा था। और जब इसकी खबर करने के लिए एक पत्रकार जाता है तो उसे धमकी दी जाती है, साथ ही उसके फोन से जबरन वीडियो को डिलीट करवाया जाता है। आपको बता दें कि अरशद चौधरी नामक इस भूमाफिया ने वसई विरार में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि अनगिनत अवैध निर्माण किए हैं और मनपा अधिकारियों को घूस देकर तथा पत्रकारों को डरा धमका कर अपना यह गोरख धंधा चलाता चला आ रहा है। साथ ही इस पर मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। हालांकि मनपा ने इसके इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर पूरे स्ट्रक्चर को ध्वस्त तो कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई सिर्फ अवैध इमारत पर ही क्यों, अवैध निर्माणकर्ताओं पर क्यों नहीं, और बल्कि ऐसे कुख्यात भूमाफियाओं को तो तड़ीपार कर देना चाहिए। आपको बता दें कि वसई विरार में हर प्रभाग में अभी भी कई अवैध निर्माण किए जा रहे हैं जिन पर मनपा का ध्यान पूरी तरह से नहीं है। लेकिन भाई, सवाल मोटे पैसों का है तो कार्रवाई होगी भी कैसे।